अरे भाई पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद ये घंटी दबा दो। जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी तुमको नोटिफिकेशन आ जाएगी। नए नए वीडियोस का मजा लो। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, हेलो, हाय एवरीवन। मैं आपका दोस्त शहबाज खान आपका स्वागत करता हूं शहबाज खान कॉमेडी क्लब में। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी जगत सिनेमा की सबसे बड़ी पिक्चर कौन सी, कब और कहाँ बनी। आप समझ में नहीं आया? मेरे को भी नहीं आया। अरे आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के बारे में। क्या बोले तो एकदम झकास। बॉलीवुड की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी पिक्चर बनने जा रही थी। इतनी बड़ी पिक्चर बनने जा रही थी कि पिक्चर बनने से पहले खाली फिल्म की स्टोरी को ऑस्कर अवार्ड, ये अवार्ड, वो अवार्ड, पूरे अवार्ड मिल गए। जैसे एक्टरों को मालूम हुआ खाली इसकी स्टोरी कुछ ऑस्कर अवार्ड मिल गया तो पूरे जने ऊंचा कुचक के भाग रहे थे डायरेक्टर के, मेरे को काम दियो, मेरे को काम दियो। कोई थोड़े जने फोनों पे लगे, हमने सुना है कि तुम पिक्चर बना रहे हो, डेट बता देना मैं आ जाऊंगा। अपने अंदाज राजकुमार साहब। अच्छा सुनो, हम थोड़ा सा बिजी हैं लेकिन फिर भी आपके लिए टाइम निकाल लेंगे। हर कोई लगे हुए, अब डायरेक्टर परेशान हो गया, सुबह से शाम तक 40-40 कॉल आ जा रहे हैं उसको। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र साहब, उन्होंने बोला किस किस को लियो भैया। आखिर अब उन्हें बेजार होकर क्या करा, एक ऑडिशन रख दिया कि जिसको भी ये फिल्म में काम करना है ऑफिस पे आओ, ऑडिशन दियो, अगर सेलेक्ट हुए तो फिल्म में आएंगे, अगर नहीं हुए तो बाहर। ऑडिशन रख दिया। अब ऑडिशन देने के वास्ते ऑफिस के बाहर इतनी लंबी लाइन लग गई, एक्टरा, डायरेक्टरा, कॉमेडियना, विलना, पूरे लग गए लाइन में। तो सबसे पहले ऑफिस में घुसते हैं हमारे पंजाब के पुत्र धर्मपाल जी। अपने अंदाज में ऑफिस में आ गए, अब ऑडिशन देने आ गए। साहब वॉशरूम बाहर है। किस लिए? आप कुछ कर रहे थे शायद ना? कुछ नहीं मेरे बच्चे, मेरे फसली में सूजन है, जॉइंट्स पेन है, रात को नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है, ताकत कम हो रही है मेरे बच्चे, मैं कमजोर हो रहा हूँ। अब उसको रहम आ गया बेचारे। साहब इतने तकलीफों में भी आप काम कर रहे साहब, हिम्मत की दाते रहा साहब, आपको देख के मेरे को रोना आ गया साहब। मेरे बच्चे रो मत, मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरी औलाद। हाँ मेरे बच्चे, काश ये दर्द मेरी औलाद समझ सकती तो आज मुझे ऑडिशन देने नहीं आना पड़ता था। खैर बताओ क्या बोलना है साहब? ये डायलॉग है साहब। क्या है? मुत्तई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये डायलॉग है साहब, इसको आप साहब, अरे आपको बोलने की जरूरत नहीं है साहब। हाँ ठीक है, लाओ कुत्ते। आप कुत्ते नहीं, मुत्तई। कभी ने बैठ खामोश कुत्ते, कभी ने मुत्तई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुत्तई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, क्या होता है साहब? आगे बोलिए साहब। वही तो तुझसे पूछ रहा हूँ, बता क्या होता है। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। ठीक है, मालूम है मुझे, मुत्तई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे मौसी जी होता है। मौसी जी, मैं आ रहा हूँ, मौसी जी मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। साहब हो गया साहब। कैसा था? बहुत अच्छा साहब। अरे साहब हाँ, आप लेजेंड है साहब। ठीक है तो मैं सेलेक्ट हो गया? नहीं साहब, हाँ दूसरे भी ऑडिशन से आप जाइए साहब, हम कॉल करके बता देते हैं आपको एक दो दिन में। ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे मेरा एक छोटा काम करो। क्या साहब? अगर कोई छोटा मोटा रोल हो तो मेरे बेटे सनी और बॉबी को भी सेट करा दो। ठीक है साहब, शुक्रिया मेरे बच्चे, जीते रहो। चले गए। इनके पीछे आ गए प्रेम चोपड़ा साहब अपने अंदाज में।
बोला तो बोला क्या, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। सब मालूम है सब। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सब ऑडिशन दीजिए। किस चीज का ऑडिशन? फिल्म का ऑडिशन। ऑडिशन छोड़ो, पहले मुझे एक बात बताओ, किस फिल्म में पैसा कितना मिलेगा? पैसा अब सेलेक्ट हुए तो रोल मिला तो बात की बात है। अरे रोल वो छोड़ो, वो तो हमको मिल ही जाएगा, ये बताओ कि पैसा कितना मिलेगा? साहब अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपको 10,000 रुपए पर डे मिलेंगे। 10,000 रुपए पर डे? अरे 10,000 में नग्गा नहाएगा क्या और अंडे छोड़ेगा क्या? बोल के चले गए। ऑस्कर ऑस्कर नहीं होना, खाली माल होना अपने को। इनके पीछे आते हैं बॉलीवुड के मोस्ट खतरनाक डेंजर विलन। इनकी फिल्म जब भी थिएटर में लगती और इन्होंने जब भी पर्दे पे एंट्री मारते तो हॉल में बैठी हुई ऑडियंस अपने अपने साथ आए हुए अंटियों को, बच्चियों को, बुढ़ियों को, खालाओं को, पूरों को थैले पिना देते। कई को बोले तो इन्होंने बच्चियों को देख के पर्दा फाड़ के भी थिएटर में घुस सकते ब्याज काट के। वन एंड ओनली शक्ति कपूर आओ। शक्ति कपूर साहब आ गए ऑडिशन देने। ऑफिस में आते कि आ हाँ आ हाँ आ। तकलीफ है तो पहले हॉस्पिटल को जाके आओ। क्या कर रहे इधर आके? नहीं हम ऑडिशन देने आया हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि इस पिक्चर का नाम क्या है? ये फिल्म का नाम है पाकीज़ा आंचल। छी, इतने बड़े फिल्म का नाम ये डिसाइड किया? एक काम करो, इस पिक्चर का नाम रख दो जूली की जवानी ब्याज काट के। ठीक है देखेंगे वो बाद में, आप ऑडिशन दीजिए। ठीक है। अच्छा सुनो एक और बात बताओ, ये बताओ कि इस पिक्चर में रेप कितने हैं? साफ, ये साफ सुथरी फिल्म बन रही, रेप अप नहीं है इसमें, साफ सुथरी पिक्चर है ये। तो क्या हुआ, जितनी भी लड़के हैं उनको पानी नहला धुला के साफ सुथरी कर दो ब्याज काट के, पिक्चर भी साफ हो जाएगी। वडवाई साहब आपके आपके पास ही रखिए, आप ऑडिशन दे रहे ना या बाहर भी जाओ? आपको दे रहा हूँ। कहाँ है डायलॉग? ये डायलॉग है जी, इतना छोटा डायलॉग, ये तो हम ऐसे ही बोल सकता हूँ। जाओ। ठीक है बोलिए। ये नहीं करना है, डायलॉग बोलना है। ठीक है। मोता इलाक बुरा चाहे तो क्या होता है सीटी बजा के, मोता इलाक बुरा चाहे तो क्या होता है सीटी बजा के, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है ब्याज काट के। कैसा था? बहुत जबरदस्त था साहब, बहुत सॉलिड दिया। आप जाइए हम आपको बताते। कब तक बताओगे? एक दो दिन में बताएंगे। तो ठीक है, काम करता हूँ मैं, ऑफिस के बाहर ही वेट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे काम भी नहीं है। चाहिए आप बताते बोले ना, जाइए आप जाइए। हमको ऑफिस से निकालने के लिए छिड़के डिसाइड किया, अब तुझको कैसे कब और किधर टपकाना है ये हम डिसाइड करूंगा। चलो रे। कोई भी नहीं है वहां पे। ठीक है हम जा रहा हूँ। अब इनके पीछे आ गए राजकुमार साहब अपने अंदाज में, हाथ में पाइप पाइप ले लेंगे। हम सौदागर है और हमारे सौदागर है, एक मल्ले पल्ली में है, एक नाम पल्ली पे है, एक ओल्ड बोन पल्ली में है और बाकी लिंगम पल्ली में है। तो सब हमारा एक फार्म हाउस भी है जिसमें एक बहुत बड़ा सा हॉल है जहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, 4 बेडरूम हैं, अटैच बाथरूम है, किचन है, ओपन एरिया है, बहुत अच्छी जगह है। साहब ये रियल इस्टेट की ऑफिस नहीं होती साहब, वो ऑडिशन चल रहा साहब, ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते उनके साथ, विश्वास से उन्हें ज़रा अजीज से बोलता, नहीं तो अलग है उनका खिस्सा। राजकुमार साहब तो साहब यहाँ पे ऑडिशन चल रहा साहब, आप ऑडिशन दीजिए ना साहब। क्या तुम्हें पता नहीं कि हम राजा हैं? राजा ऑडिशन देता नहीं, ऑडिशन लेता है। हम तो यहाँ इसलिए आए थे कि हमारी ये जो प्रॉपर्टी है अगर तुम चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। साहब बोलना साहब, बात कर लेंगे, बोलता हूँ साहब से बात कर लेगा। ठीक है चलेगा। इसके पीछे आ गए किराकों के किराक, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के नाना, नाना पाटेकर। जैसा उन्होंने स्टूडियो में आए अपने अंदाज में शुरू हो गए। साहब क्या है साहब? वो ये डांसिंग का ऑडिशन नहीं हो रहा साहब, एक्टिंग का ऑडिशन है साहब। अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह साहब, दुआ है साहब आप। ये पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा है, बता क्या डायलॉग है मेरा?
साहब ये डायलॉग है देखिए, इधर आ इधर आ। क्या नाम है तेरा? ये तरीका है तेरा एक एक्टर से बात करने का? तुझे पता नहीं है मैं कितना बड़ा आर्टिस्ट हूँ, कितना बड़ा एक्टर हूँ? कंट्रोल कंट्रोल, बता क्या डायलॉग है साहब? ये डायलॉग है साहब, सॉरी साहब, गलती गरीब हो साहब, सॉरी। सुना, पढ़ के सुना। सुना मुत्तई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। ये डायलॉग है साहब। पहली वाली लाइन दोबारा पढ़। मुत्तई लाख बुरा बुरा बुरा, सारी दुनिया बुराई में लगी है, एक दूसरे की बुराई कर रहे हो, टांग खींच रहे हो, एक दूसरे को लगाने में लगे हो, बुराई बुराई बुराई। सही कहती थी खलम वाली बाई कि कीड़े मकोड़े बन चुके हो तुम लोग, तुम लोगों को कोई परवाह नहीं है, जियो जैसे जीना है जियो भाई जियो। अब आंखा बंद करके शुरू हो गया नो, अलाम फलाम अट्ठी धूल गुलाब का कमल का फूल, जो ऑडिशन ले रहे थे बिचारे लोग डर के, बता बता बता। जैसा एक सेकंड के वास्ते आंख बंद होते कि पूरा ऑडिशन लेने वाले बोरिया इस तरह पैक करके खप बोल के निकल गया। अभी आंखा बंद करके लगे हुए, सही है बता बता, आंखा खोलते कि पूरी पलटी गए। अच्छा है अच्छा है, उनके नो भी निकल गए। तो ये था ऑडिशन। अब आप कमेंट करके बताइए कि कौन से एक्टर को सेलेक्ट करेंगे और कौन से एक्टर को लेंगे अपन ये पिक्चर में। और ये वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर से सब्सक्राइब नहीं करे तो फौरन कर लीजिए, और ये घंटी को भी दबा दीजिए। ठीक है, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। अपना ही बच्चा है, अच्छे बना रखा थे वीडियो, सपोर्ट करो जरा बच्चे को। अस्सलाम वालेकुम।